वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में स्टार्ट करेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को। उसको पढ़ेंगे हम एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को कि एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात करें। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी को। उसकी बात करेंगे हम एक्टिव इम्यूनिटी को कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। देखो, एक्टिव इम्यूनिटी मेनली काम कब करता है, जब होस्ट बॉडी क्या होती है, किसी एंटीजन के साथ क्या होती है, एक्सपोज होती है, या बोल सकते हो कोई भी पैथोजन या माइक्रोब्स क्या होता है बॉडी में अगर एंटर करता है या एंटीजन एंटर करता है, तो हमारी होस्ट बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके बेसिस पे जो रिस्पॉन्स आता है वो क्या है, आपका एक्टिव इम्यूनिटी है या एक्टिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, बट ये होता क्या है, थोड़ा स्लो जरूर होता है, बट कैसा होता है, इफेक्टिव होता है। कैसा होता है, इफेक्टिव होता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या बताया आपको, कि जब कोई बॉडी किसी एंटीजन के साथ क्या होती है, एक्सपोज होती है, या आप सिंपली बोल सकते हो जब कोई पैथोजन क्या होता है बॉडी में इंटरेक्ट करता है, एंटर करता है, तो जो होस्ट बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी रिलीज करती है। ठीक है, जिसके बेसिस पर हमें इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, और यह है कि आपका एक्टिव रिस्पॉन्स है। और ये जनरली क्या होता है, स्लो तो होता है, मतलब बहुत तेजी से काम तो नहीं करता, बट कैसा होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, सेकेंड हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, देखो पैसिव इम्यूनिटी कैसी होती है, रेडीमेड एंटीबॉडी होते हैं जो डायरेक्टली इंजेक्टेड होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हमारी बॉडी फॉर्म नहीं करते एंटीबॉडी वगैरह को। ठीक है, ये रेडीमेड एंटीबॉडी होते हैं, डायरेक्टली किसमें इंजेक्टेड होते हैं, बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। किसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, बॉडी में। ठीक है, जल्दी कैसे होती है, फास्ट होती है, बट कैसा होता है, लेस इफेक्टिव होता है। कैसा होता है, लेस इफेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो आप बोलते हो कोलेस्ट्रॉल जो है आपका, वो कैसा होता है, एलविस मिल्क, एलविस फ्लूइड होता है जो प्रेजेंट का होता है, बोलते हो मदर मिल्क में, जब लैक्टेशन के ड्यूरिंग में आप बोल सकते हो फीडिंग, जब चाइल्ड को कराती है मदर, तो लैक्टेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है, एंटीबॉडी किस में इंटर करता है, या किस चाइल्ड के अंदर। और जल्दी बात करें अगर कोलेस्ट्रॉल में, तो कोलेस्ट्रॉल में जो IgA एंटीबॉडी है वो क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी को, तो कैसा होता है, आपका रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं जिसको इंट्रोड्यूस किसमें करते हैं, बॉडी के अंदर। ठीक है, ये फास्ट होता है, पर कैसा होता है, लेस इफेक्टिव होता है। जैसे एग्जाम्पल के बेसिस पर आप बात करो तो कोलेस्ट्रॉल जो क्या है, एलविस फ्लूइड है जो मदर मिल्क में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी मदर मिल्क की बात करो तो उसमें क्या होता है, IgA एंटीबॉडी क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट होता है, जो करता क्या है, जो चाइल्ड को अदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन या पैथोजेनिक इन्फेक्शन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, उससे बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद इम्यूनाइजेशन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन किसके बेस्ड होती है, मेमोरी के बेस्ड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है इम्यूनाइजेशन में, ठीक है, इसमें जो एंटीजेनिक प्रोटीन होता है उसको हम किसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि जैसे कोई पैथोजन का एंटीजेनिक अगर एंटीजन इंटर करता है बॉडी के अंदर, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करती है, उसके लिए एंटीबॉडी फॉर्म करती है। तो सेम हम यहाँ पे भी यही करते हैं, हम करते क्या है, तो एंटीजेनिक प्रोटीन है, स्मॉल अमाउंट में जो एंटीजेनिक प्रोटीन है उसको किसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, बॉडी के अंदर। ठीक है, और जब अंदर कराते हैं तो किसको जनरेट करता है, मेमोरी बी सेल को और टी सेल को क्या करता है, वो जनरेट करता है वो सेल की बॉडी। ठीक है, जिसके बेसिस पर हमें क्या होता है, एनेमिस्टिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, यानी फर्दर कभी फ्यूचर में उस पैथोजन का इन्फेक्शन अगर हुआ, ठीक है, तो ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, वर्क करते हैं और उसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना जो स्नेक बाइट है, स्नेक वेनम भी किसमें आता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन में आता है। ठीक है, यानी स्नेक वेनम वगैरह जो फॉर्म करते हैं वो कैसा होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन ही है। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे वो क्या करता है, उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो स्नेक वेनम या स्नेक बाइट जो है वो कैसा है, आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन इसके लिए दिया जाता है स्नेक वेनम के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें वैक्सीनेशन क्या है, तो
अब वो तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपका वैक्सीनेशन में बायोलॉजिकल कोई प्रोसेस है या बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, इसको हम फॉर्म करते हैं वैक्सीन को, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं बहुत सारे इन्फेक्शन या बोल सकते हो कि डिजीज वगैरह को प्रिवेंट कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन में हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम कुछ साइंटिस्टों के नेम देखे वैक्सीनेशन से जो रिलेटेड है। इस सबसे पहले साइंटिस्ट कौन है आपका, एडवर्ड जेनर। कौन है आपके, एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मेनली वैक्सीन किसके लिए फॉर्म किया है, स्मॉल पॉक्स, हो सकता है कि इन्होंने सबसे प्रिमिटिव वर्क भी किया है वैक्सीन के ऊपर, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट जिन्होंने किसके लिए वैक्सीन फॉर्म किया है, स्मॉल पॉक्स के लिए। सेकेंड साइंटिस्ट की बात करें तो लुईस पाश्चर, ठीक है। लुईस पाश्चर ने किसके लिए वैक्सीन वगैरह फॉर्म किया है, तो एंथ्रेक्स के लिए फॉर्म किया है। दूसरे किसके लिए फॉर्म किया है, रेबीज के लिए फॉर्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो साइंटिस्ट है, थोड़ा इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे, एमिल वॉन वेरिंग, ठीक है, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को। किसको डिस्कवर किया था, पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को, क्या कहते हैं उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ वैक्सीन की, कि कितने टाइप्स के वैक्सीन क्या है प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की, क्या बात करेंगे, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की। वैसे तीन जनरेशन में पढ़ने हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में आपको क्या क्या याद रखना है, जैसे कौन कौन से वैक्सीन है, जैसे BCG है, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन है। एक ऐसे वैक्सीन है आपके लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जो लाइफ को बचाने के लिए है, ठीक है। एक इसमें आते हैं आपके फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप बोलते हो टाइफाइड के लिए वैक्सीन, साल्क पोलियो के लिए वैक्सीन, कोलेरा के लिए वैक्सीन, रेबीज के लिए वैक्सीन, प्लेग के लिए वैक्सीन, ठीक है। एक किसके लिए वैक्सीन है, ये वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। कैसे है आपके, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब इनके इन्फेक्शन वगैरह को क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं। ये भी किसमें आते हैं आपके, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में। नेक्स्ट वैक्सीन की बात करें, जैसे डिप्थीरिया है, टिटेनस है, ये कैसे है, टैक्साइड वैक्सीन है, मतलब जो एक कॉजिंग एजेंट के जो तो टॉक्सिन वगैरह है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। किसको करता है, टॉक्सिन वगैरह को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। चलिए सेकेंड, इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की। इसकी बात करेंगे हम सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की, कि सेकेंड जनरेशन वैक्सीन क्या होता है। चलिए जनरली इसको हम प्रिपेयर किसके थ्रू करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। किसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, ठीक है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन को। जैसे एग्जांपल के बेसिस पे बात करें कौन कौन से वैक्सीन है, जैसे आप बोलते हो हेपेटाइटिस बी के लिए जो वैक्सीन फॉर्म किया था वो कैसा वैक्सीन है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है। सेकेंड हर्पिस वायरस के लिए जो वैक्सीन फॉर्म करते हैं वो कैसा वैक्सीन है आपका, फॉर्म किया गया वो कैसा है आपका, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में आता है, ठीक है। लास्ट है आपका थर्ड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन को जनरली हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक वैक्सीन। एक इसमें कोई ऐसे वैक्सीन आते हैं DNA बेसिस की वैक्सीन फॉर्म किए जा रहे हैं अभी, ठीक है। एक ऐसा है आपका एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, ठीक है, मतलब एक तरह से जाना जाए कि पूरी तरह से क्या है, बनाया नहीं गया है सबके लिए, ठीक है। तो कैसे इसमें आते हैं आपके DNA वैक्सीन आते हैं, और अभी क्या है एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या हो जाए, पॉपुलर है होगा ये, क्योंकि ये और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन में क्या आता है आपके, सिंथेटिक वैक्सीन आते हैं, जिससे फॉर एग्जांपल की बेसिस पर बात करो तो DNA वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे टिश्यू ग्राफ्टिंग के बारे में, टिश्यू ग्राफ्टिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए टिश्यू ग्राफ्टिंग में हम फर्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे HLA के बारे में या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के बारे में, ठीक है। टिश्यू ग्राफ्टिंग का मतलब सिंपली आप बोलते हो, हम जो ट्रांसप्लांट करते हैं टिश्यू को एक पर्सन से अंदर पर्सन में, या उसी पर्सन में एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, टिश्यू का हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू ग्राफ्टिंग। मतलब इसमें एक डोनर होता है, दूसरा क्या होता है, रेसिपिएंट होता है, या बोल सकते हो रिसीवर होता है, ठीक है। तो टिश्यू ग्राफ्टिंग में हमें पढ़ना है, तो टिश्यू ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग में क्या क्या कौन कौन से एंटीजन वगैरह इन्वॉल्व है। तो टिश्यू ग्राफ्टिंग में सबसे पहले हमें पढ़ना है HLA के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। क्या बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ सेल के, ठीक है। और वो किसको रिस्पॉन्स, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए,
ठीक है। तो आपके एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आया है व्हाट इज HLA, HLA का मतलब क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जो एक प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, इम्यून सिस्टम के रेगुलेशन के लिए या रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। अब आप बात करो इस टाइप के प्रोटीन के लिए जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम नंबर 6 पे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एनकोड किसको करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन को, ठीक है। और एनकोडेड किसको करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन को क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें ह्यूमन में, ह्यूमन में जो HLA है या आपने पढ़ा ह्यूमन ल्यूकोसाइट जो एंटीजन है वो किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, MSC को, MSC मतलब मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, कॉरस्पॉन्ड करता है। मीन्स मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जैसे आप बोलते हो कि जब हम कोई भी टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं या सिंपल आप बात करो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की भी आप बात कर सकते हो, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, वो डिटेक्ट करता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ टाइप को, ठीक है। अगर सेल्फ टाइप है तो कोई बात ही नहीं, मतलब जो HLA जो ह्यूमन में क्या को कॉरस्पॉन्ड करता है, MSC को, मतलब मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, जैसे आप बोलते हो कि सेल्फ, अगर HLA कि अगर हम बात करें तब तो ठीक है कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर नॉन सेल्फ है टाइप, नॉन सेल्फ अगर बोल सकते हो कि वहाँ पे डिटेक्ट हो गया जीन मेरे या HLA डिटेक्ट हुआ, तो वहाँ पर करता क्या, उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर टिश्यू ग्राफ्टिंग मेरे क्या होती है, फेल हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन, क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो HLA जो ह्यूमन में किसको रिस्पॉन्ड करता है, MSC को, आप याद रखेंगे मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को, MSC का फुल फॉर्म है, ठीक है। जिसमें होता क्या है, कोई भी सेल जो बेरिंग HLA है ऑफ नॉन सेल्फ टाइप, उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे मार्क किया जाता है, मार्क इन द सेंस उसको डिटेक्ट किया जाता है कि सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। अगर सेल्फ है मतलब एक जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अलग है तो होगा क्या, उसको इम्यून सिस्टम के थ्रू क्या किया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यानी जो अगर वो ऐसे ट्रांसप्लांट किए गया टिश्यू वगैरह को, तो कैसा हो जाता है, वर्क नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन या फेल हो जाता है ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे टिश्यू ग्राफ्टिंग करते कैसे, ठीक है। तो चलिए अगर हम टिश्यू ग्राफ्टिंग की बात करें, ठीक है, तो टिश्यू ग्राफ्टिंग कैसा है, आपका सर्जिकल प्रोसेस है, ये सबको पता है, ठीक है। यहाँ पर सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, एक टिश्यू को एक साइड से दूसरे साइड क्या करते हैं, मूव कराते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, देखो अब ऐसा हो सकता है कि एक ही पर्सन सेम बॉडी में भी हम बोल सकते हैं टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या बोल सकते हो डोनर से रिसीवर में क्या कर सकते हैं, हम टिश्यू को मूव करा सकते हैं या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे जो HLA टाइपिंग है, जैसे अभी थोड़ी देर आपसे बात की जा रहा था, HLA किसमें इन्वॉल्व होता है आपका, कॉम्पेटिबिलिटी में, मतलब जैसे आपने बोला मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, तो HLA टाइपिंग किसके लिए इन्वॉल्व होता है, चेक करने के लिए कॉम्पेटिबिलिटी में, मतलब डोनर और रिसीवर दोनों के रिस्पॉन्ड में, ठीक है। अगर सेम HLA है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वो तो आप बोल सकते हो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो बोला है कि अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ ग्राफ सिलेक्शन की, मतलब हम किस में से टिश्यू ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आसानी से, किस में से, किससे किसके अंदर, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ ग्राफ सिलेक्शन की, तो देखो जैसे आप बात करो आइडेंटिकल ट्विंस में, तो यहाँ पे हम ग्राफ्टिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे HLA वगैरह की कंपेटिबिलिटी क्या होती है, बहुत बेटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा किसमें बात करते हैं, सिबलिंग में, जैसे आप बोलते हो कि जो सगे होते हैं ब्रदर, यार आप बात करो सिस्टर, ठीक है, इनके हम इनके बीच में हम ट्रांसप्लांटेशन देख सकते हैं या सिलेक्शन कर सकते हैं। थर्ड की बात करो तो पेरेंट्स, इन मदर फादर से अपने कर सकते हैं ग्राफ सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट में अनरिलेटेड डोनर, मतलब जो अलग है, ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि अलग डोनर से भी क्या कर सकते हैं हम टिश्यू ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, पर सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी किसकी है, आइडेंटिकल ट्विंस की, ठीक है, जिसमें हमें मोस्ट ऑफ चांस में क्या होता है, सक्सेसफुल हुई होता है, यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता,
उसके बाद आप बोलते हो सिबलिंग की, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हो पेरेंट्स, उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट में क्या आता है अनरिलेटेड डोनर, जिसमें चांसेस थोड़ी बहुत होते हैं कि एमएससी कंपेबिलिटी ना मिले तो कभी ग्राफ्ट रिजेक्शन फेल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन हम करते क्या है, एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन, क्या बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन, और वो क्या है वेरी आईएमपी भी है, आप थोड़ा याद रखेंगे साइक्लोस्पोरिन, जिसको किस एक ड्रग है जिसको किस फॉर्म में यूज किया जाता है, इम्यून सप्रेसेंट ड्रग, किसके फॉर्म में यूज किया जाता है, इम्यून सप्रेसेंट ड्रग, मतलब ये करता क्या है कि जो टिश्यू ग्राफ्टिंग में कब किया जाता है, टिश्यू ग्राफ्टिंग में अब करता क्या है, ग्राफ्ट रिजेक्शन को जो फेल होता है ना ग्राफ्ट रिजेक्शन, उसको रोकता है या इनहिबिट करता है, ठीक है। यानी साइक्लोस्पोरिन क्या है, एक इम्यून सप्रेसेंट ड्रग है जिसको कब यूज किया जाता है, जब ट्रांसप्लांटेशन वगैरह करते हैं। अब क्यों करते हैं इसको यूज, क्योंकि करता क्या है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और बहुत करता क्या है दूसरा ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकता है, कि जैसे आप बोल सकते हो ना जैसे HLA के बेसिस पे क्या होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है, अगर वो नॉन सेल्फ सेल्फ क्या बोलते हैं कि एंटीजन के बेसिस पे, तो उस केस में क्या होता है साइक्लोस्पोरिन करता है क्या है ग्राफ्ट रिजेक्शन को क्या करता है कुछ हद तक क्या करता है वो रोकता है। तो इसका काम क्या है इम्यून सप्रेसेंट ड्रग के फॉर्म में हम यूज करते हैं कब, टिश्यू ग्राफ्टिंग के ड्यूरेशन में, ठीक है। ये करता है क्या ग्राफ्ट रिजेक्शन को क्या करता है इनहिबिट करता है, क्लियर, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन में क्या करता है हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ टिश्यू ग्राफ्टिंग, कितने टाइप्स की टिश्यू ग्राफ्टिंग हम करते हैं, ठीक है। अगर हम टाइप की बात करें कितने टाइप्स की टिश्यू ग्राफ्टिंग करते हैं, जो फर्स्ट है आपका वो क्या है आपका ऑटोग्राफ्ट, क्या है आपका ऑटोग्राफ्ट, जो कैसा होता है मोस्ट सक्सेसफुल होता है। यहाँ पर हम ग्राफ्टिंग किसके बेसिस पे करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं टिश्यू का, किसमें करते हैं वन पार्ट ऑफ बॉडी से अनदर पार्ट, ठीक है, सेम इंडिविजुअल में, यानी एक ही इंडिविजुअल में कोई टिश्यू अगर उसकी बॉडी का कोई टिश्यू एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट, और ये क्या होता है मोस्ट सक्सेसफुल है। यहाँ पे HLA वगैरह की हमें तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे टिश्यू ग्राफ्टिंग टिश्यू रिजेक्शन की कोई चांसेस होता ही नहीं है, यहाँ ग्राफ्ट रिजेक्शन की कोई चांसेस होता ही नहीं है, तो कैसा होता है मोस्ट सक्सेसफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड की, तो सेकेंड है आपका आइसोग्राफ्ट, क्या आपका सेकेंड आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट में हम टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन किसके बीच में करते हैं, हम इस पे करते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल में करते हैं जो सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को, कैसे हो सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के, आप एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइसोग्राफ्ट का मतलब, यहाँ पे हम जो टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं वो किसके बीच में करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल के बीच में करते हैं जो सेम जेनेटिक क्या हो कंस्टिट्यूशन को हो। जैसे एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करें, जब आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में अगर हम ग्राफ्टिंग करें तो किसमें आएगा आपका आइसोग्राफ्ट में आएगा, किसमें आएगा आपका आइसो ग्राफ्ट में आएगा, ठीक है। थर्ड वन अगर हम बात करें तो है आपका होमोग्राफ, या उसके दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं एलोग्राफ्ट, क्या बोलते हैं एलोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो हम टिश्यू की ग्राफ्टिंग करते हैं वो जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल के बीच में करते हैं जो सेम स्पीसीज के हो, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पे हम जो टिश्यू की ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो किसके बीच में करते हैं, जेनेटिकल डिसिमिलर इंडिविजुअल के बीच में करते हैं जो सेम स्पीसीज के हों। जैसे एग्जांपल के बेसिस पर बात करें, जब फैमिली मेंबर्स के बीच में अगर टिश्यू ग्राफ्टिंग की बात की जाए या ट्रांसप्लांटेशन की बात की जाए तो किसमें आएगा आपका, होमोग्राफ्ट में आएगा या एलोग्राफ्ट में आएगा। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे हेटरोग्राफ्ट के बारे में, या आप बोल सकते हैं इसको हम बोलते हैं जीनोग्राफ्ट, क्या बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड में क्या बोलते हैं हम जीनोग्राफ्ट। यहाँ पे हम जो टिश्यू की ग्राफ्टिंग करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में करते हैं जो डिफरेंट स्पीसीज के हो, क्या हो अलग अलग स्पीसीज के हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं हेट्रोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट। देखो सारे टर्म्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, हेट्रोग्राफ्ट क्या होता है, जीनोग्राफ्ट क्या होता है, एलोग्राफ्ट क्या होता है, ठीक है, ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, आइसोग्राफ्ट क्या होता है, सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस एग्जाम में आपके क्वेश्चन लाइन टू लाइन पूछे आते हैं, ठीक है। तो हेटोग्राफ्ट मतलब जब हम टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो किसके बीच में टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में करते हैं जो क्या हो डिफरेंट स्पीसीज के हों, एलोग्राफ्ट में जेनेटिकल डिसिमिलर हो बट सेम स्पीसीज के हो, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा ऑटोग्राफ्ट मतलब सेम इंडिविजुअल में ही क्या करते हैं हम कोई टिश्यू वगैरह की ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, तो सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है।